काफ़ी लंबी मिसाइल है, ऐसी मिसाइल आपने कहीं नहीं देखी होगी। तो इसको नॉर्मल तरीके से ऐसे चलाते हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा सा अलग तरीके से चलाने वाले हैं। मिसाइल वाली गन छोटी सी है, तो अब हम इसमें चलाने वाले हैं ये रोल कैप को। साहब यहाँ पे देख सकते हैं ये चटक चुकी है गन हमारी। इसमें एक रिंग का जो डॉट होता है वो निकालते हैं, इसको यहाँ पे लगाते हैं और इसको चला के देखते हैं। सो गाइज, मैं हूँ आयुष और आज की वीडियो पे हमारे पास है दिवाली की काफ़ी सारी गनें। तो आज की वीडियो पे करेंगे इनसे यूनिक तरीके से टेस्टिंग, जो शायद ही आपने कहीं देखा होगा। तो वीडियो काफ़ी धमाकेदार होने वाली है, आप लोग एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रही सबसे पहली गन, नॉर्मल रोल कैप वाली गन है और ईगल की है। और ये है मिनी मिसाइल वाली गन, तो काफ़ी बढ़िया है। उसके बाद ये है थोड़ी सी बड़ी मिसाइल वाली गन, और ये वाली जो है मैच स्टिक की गन है, सभी लोग जानते होंगे। और उसके बाद ये है लंबी नली वाली गन, तो ये भी एक मिसाइल वाली गन है। तो इन सभी गन से हम यूनिक तरीके से टेस्टिंग करने वाले हैं, तो अभी आप देखिएगा। तो सबसे पहले ये रही ईगल की रोल कैप वाली गन, तो यहाँ पर आप सभी लोग जानते होंगे इसमें रोल कैप आते हैं कुछ इस तरीके से, जिसको हम लोग टिकड़ी भी बोलते हैं। तो ये रही वो रोल कैप, तो देख सकते हैं। तो इसको मैं रोल करता हूं, उसके बाद गन में फिट करते हैं। तो सबसे पहले दिखाएंगे नॉर्मल तरीका क्या होता है, उसके बाद यूनिक तरीका क्या होगा इसको टेस्ट करने का, अभी आपको दिखाते हैं। तो ये है नॉर्मल तरीका, तो इसको नॉर्मल तरीके से ऐसे चलाते हैं और ऐसे ही चलाना भी चाहिए, लेकिन हम इसको थोड़ा सा अलग तरीके से चलाने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जो ख़राब वाले हो चुके हैं उनको हटा देते हैं, और अब जितने भी रोल कैप्स हैं उनको हम सीज़र की मदद से थोड़ा थोड़ा काट लेंगे, मतलब एक एक जो उसका डॉट है वो निकाल लेंगे। और यहाँ पर हम कुछ डॉट को एक साथ चलाने वाले हैं, जैसे कि 4-5 डॉट ले लिए, उसके बाद गन में उसको डालेंगे, उसके बाद देखेंगे कैसा साउंड यहाँ पर आता है। तो यहाँ देख सकते हैं 4-5 मैंने ले लिए हैं, तो इसको मैं गन पे लगाता हूँ, उसके बाद चला के देखते हैं। सो गाइस, देख सकते हैं कि इसमें ज़्यादा तेज़ आवाज़ तो नहीं आई है, क्योंकि इसमें जो इसका हिटिंग रेशियो था वो ज़्यादा तेज़ नहीं था, काफ़ी धीमे तरीके से हिट किया, जिससे कि सारे नहीं चल पाए। तो अब हम इसको फिंगर से चलाने वाले हैं, पीछे से खींच के छोड़ देंगे। तो भाई साहब, देखा आपने इसमें जो साउंड था काफ़ी बढ़िया आया। तो ये रहा पहले वाला और ये है दूसरा। तो गाइस, दोनों का आपने कंपेयर देखा, जो दूसरा वाला था काफ़ी बढ़िया था, क्योंकि उसमें जो हिटिंग पावर थी वो काफ़ी तेज़ थी। तो ये तो था रोल कैप, अब चलाते हैं रिंग कैप को। तो क्या हम लोग रिंग कैप को इस गन से चला सकते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पे एक रिंग कैप को निकालते हैं, इसमें से एक डॉट जो होता है उसको निकालते हैं, इस डॉट को उस गन में फंसा के देखेंगे, उसके बाद चला के देखेंगे क्या इसमें से ये चल पाता है या फिर नहीं। तो इसको मैंने फंसा लिया है कुछ इस तरीके से, ओ भाई साहब। तो यहाँ पे देखिए वो निकल गया, इसको फिंगर से चलाते हैं। तो भाई साहब, देख सकते हैं इसमें आवाज़ नहीं आई, लेकिन कुछ तो हुआ है, ये जल चुका है पूरा। तो ये था रिंग कैप। तो भाई, ये थी हमारी रोल कैप वाली गन, तो इसको हटाते हैं, अब दूसरी गन लाते हैं। तो भाई साहब, ये है हमारी मिसाइल वाली गन, छोटी सी है। तो इसमें देख सकते हैं नॉर्मल रोलर लगा होता है, जिसमें रिंग कैप लगाते हैं और उसके बाद मिसाइल लगाते हैं। तो पहले आपको दिखाएंगे नॉर्मल टेस्टिंग, उसके बाद करेंगे अपनी खुद की टेस्टिंग जो कि यूनिक होगी। तो इस रिंग कैप को लगाया इसके अंदर, तो चला के देखते हैं। और मिसाइल डालने पर होता है ये, तो आपने देखा ये कैसी चली। तो अब हम इसमें चलाने वाले हैं ये रोल कैप को। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये तो रिंग कैप वाली गन है, इसमें रोल कैप कैसे चलेगा, तो अभी आपको दिखाते हैं कैसे चलेगा। तो यही तो है इसमें यूनिक टेस्टिंग। तो यहाँ पे जितने भी रोल कैप्स हैं इसके डॉट को निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं डॉट मैंने काट लिए हैं। तो यहाँ पे जितने भी डॉट हैं उनको एक एक रोलर में लगाते चले जाएंगे, तो इसको लगा लेते हैं फेविकोल की मदद से। तो यहाँ पे मैंने सभी को अटैच कर दिया है और इसको थोड़ी देर सुखाएंगे। तो वैसे देखा जाए तो इसमें साउंड कुछ अच्छा तो नहीं था, क्योंकि इसमें जो गन की जो हिटिंग पावर है वो इतनी खास नहीं थी। तो इसको मैं थंब से ही नॉर्मल चलाऊंगा तो ज़्यादा बढ़िया है, तो क्योंकि छोटी सी गन है इसमें कितनी पावर होगी। तो ये रही हमारी तीसरी गन, और ये भी एक मिसाइल वाली गन है, लेकिन पहले से थोड़ी सी बड़ी है। और इसमें जो रोलर लगा हुआ है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का रोलर है, देख सकते हैं। और ये रही वो मिसाइलें जो इस गन के अंदर लगाई जाती हैं, तो देख सकते हैं दिखने में काफ़ी बढ़िया लग रही हैं।
और ये रहा रिंग कैप। तो सबसे पहले नॉर्मल टेस्टिंग करेंगे, उसके बाद करेंगे अपनी यूनिक टेस्टिंग इस गन के साथ। तो इस रिंग कैप को लगाते हैं गन के अंदर और इसमें डालते हैं एक मिसाइल। तो सबसे पहले इसको चला के देखते हैं। तो आपने देखा कैसी चलती है। अब करते हैं यूनिक तरीके से टेस्टिंग। तो ये रहा रोल कैप। तो आप सोचेंगे क्या मैं फिर से रोल कैप को लगा दूंगा, तो ऐसा नहीं है। और देख सकते हैं ये है रिंग कैप और रोल कैप का मिक्सचर। तो इस रोल कैप को डाल देंगे रिंग कैप के अंदर और ये हो जाएगा बिल्कुल यूनिक सा, और आपने ऐसा नहीं देखा होगा पहले। तो यहाँ भी चेक करेंगे कैसा साउंड आता है। सबसे पहले एक लगा के देखते हैं। तो यार नॉर्मल वाले साउंड से तो काफ़ी अच्छा था। तो देख सकते हैं रिंग कैप का क्या हाल हुआ है। और अब देखिए पूरे रिंग कैप में रोल कैप को लगा दिया है। तो अब इसको चला के देखते हैं कैसा चलता है। तो यहाँ पे अब जो साउंड आने वाला है काफ़ी बढ़िया होगा। तो भाई साहब यहाँ पे साउंड काफ़ी बढ़िया आया है। शायद कैमरे में उतना अच्छा सुनाई ना दिया हो, लेकिन काफ़ी बढ़िया था। तो देख सकते हैं इसका क्या हाल हुआ, ये भी काफ़ी ख़राब हो गया है। और ये रही हमारी फोर्थ गन, जो कि ये लंबी नली वाली गन जिसमें पीछे एक्स्ट्रा हत्था लगा हुआ है। तो ये भी एक मिसाइल वाली गन है। तो अब हम इसमें मिसाइल डाल के दोबारा से नहीं चलाएंगे, वो हम आपको दिखा चुके हैं। तो हम इसमें डायरेक्ट आपको दिखाते हैं इसमें यूनिक तरीके से कैसे टेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये रही वो मिसाइलें। तो यहाँ पर हम एक लंबी मिसाइल बनाने वाले हैं, तो अभी आपको दिखाते हैं। देखिए ये रही पहली मिसाइल, ये रही दूसरी और ये रही तीसरी। कुछ इस तरीके से बनाने वाले हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, ये इस तरीके से नहीं चलेगी। तो सबसे पहले दिखाते हैं मिसाइलें। तो यहाँ पे एक बॉक्स चाहिए होगा जिसमें इसके अंदर मिसाइलों का पाउडर को यहाँ पर लेंगे, और यहाँ पर दो मिसाइलों का पाउडर हम केवल निकालेंगे, तीसरी वाली को एज इट इज़ नॉर्मल रखेंगे। तो जिन मिसाइलों का पाउडर मैंने निकाल दिया है उनके ऊपर के टॉप को हटा देंगे, और उसके बाद जिन मिसाइलों को मैंने काटा है अभी अभी तो उनके एक के बाद एक इस तरीके से लगा देंगे लाइन से। तो इनको जोड़ने से पहले यहाँ पे जो पाउडर मैंने निकाला है उसमें पहली मिसाइल के अंदर सारा पाउडर डाल देंगे, जिससे कि तीन मिसाइलों की पावर एक मिसाइल में आ जाएगी। और इसको अच्छे तरीके से पैक कर लेते हैं और इसको टेप की मदद से जोड़ लेते हैं। तो भाई साहब देख सकते हैं यहाँ पे टेप की मदद से जोड़ा है, और मिसाइल देख सकते हैं कितनी ख़तरनाक लग रही है देखने में। काफ़ी लंबी मिसाइल है, ऐसी मिसाइल आपने कहीं नहीं देखी होगी, क्योंकि भाई यार गन हमारी लंबी नली वाली है तो मिसाइल भी हमारी लंबी होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन चुका है। तो चलिए इसको चला के देखते हैं कैसी चलती है। ओ भाई साहब तो ये तो फट गई, जैसे ही मैंने चलाया ये फट गई, और मुझे लग रहा है इसके अंदर जो पाउडर था वो एकदम से चेन रिएक्शन से फट गया। और यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा आगे वाला हिस्सा, जो इसकी हालत है पूरी तरीके से ख़राब। अब चलाते हैं दूसरी मिसाइल को, इसका देखते हैं क्या होता है। ओ भाई क्या आवाज़ आई, भाई क्या साउंड था, बिल्कुल यूनिक सा साउंड आया। और जो मिसाइल थी वो थोड़ी आगे तो गई है, देख सकते हैं जाते हुए दिख रही है। और यहाँ पे जो रिंग कैप था वो पूरा खाली हो गया है, देख सकते हैं एक बार में ही पूरा ख़त्म हो गया, तो काफ़ी ज़्यादा पावर थी इसमें। और ये रही वो मिसाइल जो कि नॉर्मल थी, काफ़ी बढ़िया थी। तो भाई साहब ये रही हमारी लास्ट गन, और ये है मैच स्टिक वाली गन। तो इससे हम लोग क्या यूनिक कर सकते हैं अभी आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले चलाएँगे इसको नॉर्मल, जैसे नॉर्मल लोग चलाते हैं। तो इसमें डाली जाती मैच स्टिक, तो उससे पहले हम इसको लोड कर लेते हैं। और लोड करने का जो तरीका है उसको आगे से नहीं, बिल्कुल बीच से पकड़ के लोड करते हैं, नहीं तो ये टूट जाएगी, क्योंकि ये टूटती बहुत जल्दी है। तो यहाँ पे ये लोड हो गई है, कट से आवाज़ आई थी। तो इसको डाला मैंने मैच स्टिक को अंदर और इसको लगाया यहाँ पे। तो चला के देखते हैं। तो भाई ये थी नॉर्मल टेस्टिंग, अब कुछ यूनिक सा करके देखते हैं। तो इस मैंने सोचा इस मैच स्टिक का केवल हेड लगा के देखते हैं क्या ये काम करेगा, तो बाकी तीली को नहीं लगाएंगे। तो इसको रीलोड करते हैं। वो भाई साहब मुझे लग रहा है कुछ कांड हो गया है, काफ़ी अजीब सी आवाज़ आई है गन से। और भाई साहब यहाँ पे देख सकते हैं ये चटक चुकी है गन हमारी, तो गन हमारी लगभग टूट चुकी है, जो कि काफ़ी बुरा हुआ है। और जिस तरीके से गन को लोड किया जाता है उस हिसाब से इस पर प्लास्टिक नहीं होनी चाहिए, लोहे की गन होनी चाहिए। तो यहाँ पर अब देसी जुगाड़ मैंने लगाया है, आगे से इसको पैक कर दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ हार्ड सा मटेरियल लगा दिया है। इसको अब लोड करते हैं, क्योंकि अगर ये आगे से स्लिप हुआ तो गन टूट जाएगी, और लोड तो नहीं होगी, टूट अलग जाएगी, तो काफ़ी अच्छे से करना पड़ेगा। और यहाँ पे हो गई लोड हमारी। ओ भाई साहब देख सकते हैं लोड मैंने कर लिया है देसी जुगाड़ से। तो
तो अब यहाँ पे मैच स्टिक का हेड लगाते हैं और इसके बाद इसको चला के देखते हैं। तो यहाँ पे देखा मैच स्टिक का हेड भी काम किया है। अब हम लोग क्या इसमें रिंग कैप को लगा सकते हैं, तो इसको भी टेस्ट करके देखते हैं। तो इसमें से केवल एक रिंग को निकालते हैं, इसमें एक रिंग का जो डॉट होता है वो निकालते हैं, इसको यहाँ पे लगाते हैं। लेकिन एक मुश्किल काम फिर से, हमें इसको फिर से लोड करना है और गन हमारी चटकी हुई है, तो मैं इसको फिर से देसी जुगाड़ से लोड कर लेता हूँ। तो भाई साहब इस बार भी लोड हो गई है। तो देखा आपने, रिंग कैप भी हमारा अच्छे से काम कर रहा है, जो कि काफ़ी यूनिक सा था। तो भाई ये थी मैच स्टिक की गन, जो कि काफ़ी लोकल क्वालिटी की है। मुझे इसका मैकेनिज़्म काफ़ी अच्छा लगता है, जिस तरीके से ये चलाई जाती है। बाकी ये जिस तरीके से लोड की जाती है, उस हिसाब से ये लोहे की होनी चाहिए, तो काफ़ी बढ़िया होता। और गाइज़ ये थी हमारी आज की वीडियो। तो गाइज़ वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।